हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देव्स किचन। आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्विंग। आज हम बनाएंगे तितलियां, मतलब बटरफ्लाइज, वो भी गाजर और मूली का इस्तेमाल करके। और घर पर बैठकर ये कार्विंग आप कर सकते हैं, सिर्फ जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। और आई एम श्योर आपको ये कार्विंग करते हुए बहुत मजा आएगा। तो ये स्टेप्स देख लीजिए फ्रेंड्स। और ये तितलियां है ना, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और आज मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन वैरायटी की तितलियां आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं ये प्यारी सी तितलियां आप किस तरह से काफ कर सकते हो। सबसे पहले गाजर लेंगे और उसे डायमंड शेप में हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए इस तरह से पतले स्लाइसेस हमें करने हैं, लेकिन बेस में वो जुड़े रहने चाहिए। ऐसे दो स्लाइसेस हमें करने हैं और ये स्लाइसेस एकदम पतले होने चाहिए। देखिए इस तरह से मैं कट कर ले रहा हूँ। और ये जो दो स्लाइसेस है वो बेस में जुड़े हुए हैं, इंटैक्ट है। ये जो बटरफ्लाई कार्विंग है ये काफ़ी डेलिकेट है, इसे हमें बहुत ही केयरफुली करना है। अब देखिए ये सबसे पहले मैं इस तरह से इसे कट दिया हुआ है। जो बटरफ्लाइज की टेंटेकल्स होती है ये इससे बनेगी। और अब मैं विंग्स का शेप दे रहा हूँ और ये बेस में एक कट मार लेंगे। ये देखिए ये कट है वो जो बेस में मैंने मारा है। और ये कट मारने के बाद ये जो पार्ट है उसे हमें अंदर की तरफ मोड़ना है इस तरह से, और फिर उसे हमें पानी के अंदर डालना है। पानी में डालने के बाद और ये क्रिस्पी हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और एक बटरफ्लाई इसी तरह से कर लेंगे। ये जो छोटे छोटे कार्विंग्स होते हैं ना, ये गार्निशिंग के लिए आप बहुत अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। प्लेट गार्निशिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, या छोटा सा सेंटर पीस आप बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करके मैं दिखाऊंगा आपको छोटा सा गार्निश किस तरह से आप कर सकते हो। देखिए ये दूसरा बटरफ्लाई मैंने बनाया है। ये जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से हमें मोड़ना आना चाहिए, तभी आपका बटरफ्लाई बहुत अच्छा बनेगा। और ये जो मैंने कट दिया था इसे भी अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लिया है। ये देखिए इस तरह से ये पार्ट अंदर जाना चाहिए, तभी इसके जो विंग्स है वो अच्छी तरह से स्प्रेड होंगे। इसको भी डाल देंगे पानी के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके छोटे से गार्निश भी आप कर सकते हो, तो वो बना लेंगे। ये देखिए मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है, उसके जो पत्ते रहते हैं स्प्रिंग अनियन के पत्ते, वो लिए हैं और उसको इस तरह से कट मारा है मैंने, और उसे भी मैंने पानी के अंदर डाला है। पानी के अंदर डालने से उसे अच्छा और शेप मिलता है और वो ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। और ये येलो पेपर मैंने लिया है, उसे दिया है एक कट और उस पर लगा लेंगे टूथपिक। और हर टूथपिक के ऊपर लगा लेंगे ये जो स्प्रिंग अनियन है जिसे हमने कट करके पानी में रखा था। अब ये बटरफ्लाई लगा लेंगे इसके ऊपर। वाओ, आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है फ्रेंड्स, उसे हमें इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा और इमेजिनेशन यूज करना है। कलर्स, जो नेचुरल कलर्स है सब्जियों के, उसका हमें इस्तेमाल करना है। और ये पार्सली के पत्ते लगा लेंगे इसके बीच में। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। और ये चेरी टोमेटो यहां पर। वाओ, इस तरह का ये गार्निश आप प्लेट प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये फ्रेंड्स बेहद आसान और इंटरेस्टिंग। अब फ्रेंड्स दिखाऊंगा मैं आपको और एक दो तरीके से ये बटरफ्लाइज किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे मूली से। तो फ्रेंड्स ये दोनों तीनों टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अलग अलग वैरायटी के बटरफ्लाइज बना सकते हो। देखते हैं और कौन सा तरीका हो सकता है। तो रेडिश को मैंने इस शेप में कट कर लिया है, अब इसे करेंगे स्लाइस। जैसे हमने किया था पतला स्लाइस किया था उसी तरह से करेंगे, और बेस में उसको इंटैक्ट रखेंगे, उसी तरह से दो स्लाइसेस करेंगे।
देव्स किचन पर मैं हमेशा ऐसी टिप्स देते रहता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो ज़्यादा अच्छी तरह से बना सकते हो। अभी तक आपने देव्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिएगा। आपके सजेशंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आगे भी बहुत सारे कार्विंग्स गार्निशिंग आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स। अब स्लाइसेस का शेप थोड़ा सा अलग है, ये देखिए थोड़ा सा ये ट्रायंगुलर शेप है और इसे सबसे पहले इस तरह से कट करेंगे। और इसे अब देंगे कट इस तरह से, ये देखिए। ये कट देने के बाद अब हमें इसके जो विंग्स होते हैं उसका शेप देना है। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। और ये जो विंग्स है उसका मैंने इसे शेप दे दिया है, देखिए। और ये देखिए ये कट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कट दिया है इसे। और ये जो विंग्स का जो बीच वाला पार्ट है उसे भी मैंने कट करके इस तरह से निकाल लिया है ताकि विंग्स और भी खूबसूरत दिखेंगे, ये देखिए। काफ़ी डेलिकेट होता है ये, लेकिन करते वक्त बहुत मज़ा आता है। और आप जब भी ये बटरफ्लाइज बनाएंगे और उसका प्रेजेंटेशन करोगे तो देखिए एक प्रेजेंटेशन कितना खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स ये कार्विंग एक तरह से एक थेरेपी जैसा है, आपको पसंद एक बार आने लगेगा ना तो आप घंटों इसे कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है करने में। ये देखिए अब ये पार्ट जो फ्रंट वाला पार्ट है वो मैंने फोल्ड कर दिया है, जैसे हमने पहले बनाया था ना बटरफ्लाई उसी तरह से ये पार्ट भी हमें फोल्ड करना है। लेकिन ये काफ़ी ट्रिकी होता है फ्रेंड्स। और एक चीज़ की टिप मैं आपको देके रखता हूँ, ये मूली और गाजर आप जो इस्तेमाल करोगे ना वो रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। फ्रिज से निकाला हुआ गाजर या मूली आप इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो ब्रिटल हो जाते हैं फ्रिज में रखने के बाद। कोई भी सब्ज़ी आपको तो पता ही है ना कि फ्रिज में रखने के बाद कड़क हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो फिर वो फोल्ड नहीं हो पाती। तो ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देते रहता हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये छोटी छोटी चीज़ें ही कोई भी कार्विंग में या रेसिपी में मायने रखती है फ्रेंड्स। तो इसे रूम टेम्परेचर वाला ही मूली या गाजर आप इस्तेमाल कीजिए और फ्रेश होना चाहिए। अब लेंगे गाजर, गाजर को भी स्लाइसेस मारना है फ्रेंड्स हमें, जैसे हमने बाकी बटरफ्लाई बनाए उसी तरह से जो नीचे वाला पार्ट है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, वो जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने पतले स्लाइसेस किए हैं, ये देखिए बहुत मोटे नहीं होने चाहिए स्लाइसेस, पतले और एंड में है वो जुड़े हुए हैं। अब इसे जो बटरफ्लाई के टेंटेकल्स होते हैं जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसके लिए ये इस तरह से कट दे देंगे और अब बनाएंगे बटरफ्लाई के विंग्स इस तरह से। विंग्स का जो हमने कट दिया है बचा हुआ पार्ट वो निकाल लेंगे जी। ये देखिए ऐसा ये पेटल्स अलग होने चाहिए, विंग्स और भी सुंदर दिखने चाहिए, इसके लिए इसे इस तरह से कट देना है। तो मैंने इसमें इस तरह से कट दिया है, आप अगर चाहिए तो उसमें राउंड सर्कल्स भी कर सकते हो।
देखिए, मैं तो आपको एक जस्ट एक ये दिखा रहा हूँ, एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, एक एक शेप दिखा रहा हूँ। उसके ऊपर आप आपकी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके और उसे अलग शेप देना चाहते हैं आप, तो वो भी दे सकते हो। और बीच में जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, तो कुछ अलग तरीके की डिज़ाइन भी आप बना सकते हो। ये देखिए, ये मैंने कट दिया है जो फोल्ड करने के लिए। अब देखिए, ये वाला जो बटरफ्लाई है और भी अच्छा दिख रहा है ना, सुंदर दिख रहा है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसे कट दिया है इस तरह, और अब मैं इस फ्रंट वाला पार्ट करूँगा फोल्ड। ये देखिए इस तरह, और अब देखिए हमारा बटरफ्लाई कितना सुंदर दिख रहा है। वाव, इसी तरह से मैं और एक बटरफ्लाई आपको दिखाऊंगा, और बहुत ही क्लोजअप से आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप इजीली आसानी से घर पर प्रैक्टिस कर सकेंगे और ये प्यारे वाले बटरफ्लाइज घर पर आसानी से बना पाएंगे। ये देखिए, ये जो मैंने स्टेप्स दिखाई है वो देख लीजिए और बनाइए ये बटरफ्लाइज। अब बच्चों को दिखाओगे तो उनको भी बहुत पसंद आएंगे ये बटरफ्लाइज। ये कट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब इसे कर लेंगे फोल्ड, और इस तरह से तैयार है हमारा दूसरा बटरफ्लाई। फ्रेंड्स, जरूर घर पर प्रैक्टिस करके बनाइए ये बटरफ्लाइज। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।